आराम से यहाँ पे बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। पैर रख बैठे शांति है, बोले तो आप वो बात ना बोलिएगा, तुमको ये नहीं करता वो करता, ये तो नहीं बोलना चाहिए था आप लोगों को। ठीक तो बोला कि दादा दादी नहीं ना पूछता है उसको, हमको सब जगह सुनना पड़ता है। ठीक तो आपका पैर ठीक रहता तब क्या नहीं करते, लेकिन आपका पैर में आप इतना क्या बोल रही थी तुमको दादा दादी पसंद नहीं करते जहाँ से आए हैं। हम देखे तो भीड़ लगाने के लिए बैठे थे इधर, अभी और आदमी लोग था। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चैनल के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका भी साथ में वरदान है, कैसे आप लोग, उम्मीद करते आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे प्लीज फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वक्त बज रहे दोपहर के 2, मैं नहा चुकी हूँ, काफी दिन बाद इधर धूप आया ना तो बहुत अच्छा लगा नहाने में, तो फिर भी गर्म पानी से नहा है। चूल्हे में खाना बन गया, उसके बाद पानी उसी में चढ़वा लिए तो काफी अच्छे से गर्म हो गया। और शगुन को नहला चुके हैं और अब बारी है इस बचवा की। इधर लाइए तुम, आते यहाँ पे आया ना, इतना बदमाशी कर रहा ना। अब हम नहाए कितना, 2-3 दिन में, यहाँ आके भी लगता है कि नहीं नहाए, लेकिन नहाना जरूरी हो। और शगुन को तो बाथरूम में ही नहा दी, लेकिन बाबू को यहाँ नहाइए, कहीं यहाँ पे धूप है और अंदर में ना थोड़ा अंधेरा अंधेरा लगता है इसके लिए। छुपा हुआ है उसको, आदमी ला रहा है ऐसा खोद करके। लाओ ना टाइम टू के लड्डू, थप्पड़ नहीं लगाया उसको। अच्छा बाबू है, लाओ तो पहले भी 2 थप्पड़ लगाएंगे इसको। खाने के लिए ना बुला रहे हैं, चिलगम खा रहा है तू, चिलगम नहीं खा। राधे राधे बोल, वहाँ बोल बोल छी छी छी, ये राधे राधे। इसको भी नहाने को मन नहीं करता है, बदमाश। ये सोचता है ना खाली मले छ नहीं करते। उठो उठो उठो, चलिए तो इसको नहा के फिर मिलते हैं। उधर ही जा रही थी अभी शगुन और मान्या, वहाँ नहीं होगी तो तुम्हारे घर में होगी, ये घर में जाओ। तो शगुन को ढूंढ रही है सब खेलने के लिए। और अब देखिए किशोर को जा रहे नहा दिए घर है बंदर, अरे तो खाना खिलाने जा रहे, दाल भात नौटंकी कर रहा है। क्या चाहिए तो मोबाइल चाहिए कार्टून देखने के लिए, बे तुमको बैठेगा तो आप जब दिखाएंगे। हम थोड़ा सा बाल बना लेते हैं क्योंकि जब बाल सूख जाता है ना उसके बाद जट हो जाता है और इतना खराब हो जाता है ना कि साफ नहीं, मतलब कॉम्ब नहीं होता है। रांची में थे तो 1-2 कंडीशनर रखते थे एक पैकेट, ज़्यादा रफ हो जाता था तो कंडीशनर इस्तेमाल कर लेते थे फिर अच्छा हो जाता था। इधर बैठो ना, ये भी ना गजब, यहाँ आके ना झीली मुंह पर आते सीखी। उठो ना बैठो यहाँ, क्या हुआ क्या हुआ, मुख क्यों बनाई, गेम खेलेगा तो मामी ना उनको बोले ना कैसा उनका सामान देता है तो तुमको सुनने में गलती हुआ होगा, बोला थुको ना, क्या लियो थुको उधर बोलो, तुमको दादा दादी पसंद नहीं करते इसलिए तुम बार बार मारने खाना जाती है, जहाँ से आए वही जाके बैठो। तुमको मना करते नहीं जाना किसी घर पे, कहाँ जाती है तुमको, वहाँ रांची में भी मना किया कि दूसरे घर नहीं जाओ, सब वैसे बोलेगा ही बोलता है, वहाँ भी यहाँ भी अपना घर है। तुमको बोले ना कि खेलने का मन करेगा इधर खेलना उधर नहीं खेलना, जा खेलो जा। तो हम वहाँ पे बैठे थे बहुत, वहाँ पे अच्छा लगता है बैठने में, लेकिन सब लोग आता है दुकान उकान के लिए, मम्मी भी बार बार होती है ना तो बार बार उठो 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 ऐसा कर देते तो मुझे यहीं पर बैठ जाते हैं। और छाया भी हो गया यानी कि बादल हो गया। और ये देखिए हम कैसा जूड़ा बना है, ये पहले ये वाला खरीदे थे आप लोग को याद है, वहाँ 10 रुपये में, तो हम इसको लेते आए थे कि रबड़ वगैरह खो जाएगा तो लास्ट में ये वाला काम आएगा। दुकान से यहाँ पे बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, पैर रख बैठे बहुत आराम से बैठे हैं, क्या कर रहे हैं तो बैठे हैं ऐसे ही, मतलब
बैठे हैं, अपना घर में बैठे हैं। तो कोई बाहर बैठे है तो बोले घर में बैठे हैं। तो मेरा ही घर का दरवाजा है ना। वीडियो पहले बना लो। रोज बनाते हैं इधर कहीं रोज बनाते हैं। बंद करो अभी वीडियो, वीडियो में बंद करो। कहे के लिए मेरा काम है आपको बैठना, तो उधर बैठिए। काहे मेरा घर है तो नहीं बैठे ना। बैठिए। मुँह लटका के काहे बैठे हैं? मेरा मुँह है, हम लटकाए चाहे कुछ हो करे। तो हमको देख के आप लटका रहे हैं? हम ऐसे ही बैठल थे। नहीं आप ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है? आपको कुछ नहीं लग रहा है? अरे आप फिलहाल वीडियो अभी बंद कीजिए, समझे? अरे तो ये मेरा काम है, तो ना उसमें वायरल हो जाएगा ना हम लोग का सब। तो हम क्या करें, आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो जाके उधर बैठिए। हम पहले से वीडियो बना रहे थे ना, इसीलिए ना बैठे हुए। उधर कहाँ बैठेंगे, यहाँ मेरा घर है तो हम यही ना बैठेंगे। अभी आप शगुन को क्या बोल रहे थे? कहाँ कुछ बोले हम शगुन को? तो शगुन हमको झूठ तो नहीं बोलेगी आप? हाँ कुछ बोले हम शगुन को। शगुन को बुलाइए, कहाँ कुछ बोले हम? शगुन को तो बुलाएंगे, लेकिन आप शगुन को ये बोले कि तुम्हारा दादा दादी तुमको नहीं पसंद करता है, इसीलिए बार बार तुम नानी घर आ जाती है। तो जाओ जहाँ पे तुम्हारी मम्मा है। हाँ शगुन आती है मेरा घर में, इधर उधर सामान छूती है। खाली बोले कि तुम दादा दादी के घर जाए छोड़ के तुम यहाँ आई है नानी घर में। अब बार बार तो यहीं आती, उधर वहाँ तो जाती नहीं है वो। इसीलिए आपका घर जाते हो? आपका घर जाते भाभी? आप नहीं आती है, बच्चा है तो मेरे घर आती है ना। ठीक है तो हम मम्मी के पास आए हैं, वहाँ खाते पीते हैं, तो आप लोग खाली घर में घूम जाते हैं। देखिए चार दिन वास्ते आए हैं, बस बढ़िया से रहिए और लड़ाई मत कीजिए, समझे? यार आप ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि कहना नहीं है, है? बोल आप ही रहे हैं और खाली बदनाम हमको कर रहे हैं। हम क्या बोले कि अगर मेरी बच्ची आपके घर गई, कुछ सामान छुई भी, तो ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। आपका मयंक भी आता है मेरे घर, पूछिए तो बैठा के उसको खिलाते, कुछ खाते रहते, देते रहते हैं। नहीं बच्ची है, वो थोड़ा सामान इधर उधर कर देती है, वो उसको मना करते तो नहीं मानती है। बोले तो आप वो बात नहीं बोलिएगा, तुमको ये नहीं करता वो करता, ये तो नहीं बोलना चाहिए था। ठीक तो बोले की दादा दादी नहीं ना पूछता है उसको, आप लोगों को खाली मौका मिल गया। बताइए ना, कैमरा ऑन है फिर भी मतलब कि क्या बोले, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि हम वहाँ भी परेशान रहते हैं, यहाँ आए तो यहाँ भी परेशान है। मतलब सिर्फ थोड़ा सा कमी के चलते हमको सब जगह सुनना पड़ता है। ठीक तो आपका पैर ठीक रहता तो क्या नहीं करते, लेकिन आपका पैर में आप इतना उछल रहे हैं, पैर नहीं है ना। तो मेरा पैर ठीक नहीं है तो हम आपके पैर से चलते हैं क्या? मतलब क्या करते हैं हम, आप इसी पैर से काम करते हैं ना घर का? करते हैं मतलब इतना उछलिएगा, इतना काम है बोलिएगा। एक तो हम कुर्सी हम लेके बैठे थे, कुर्सी भी छीन लिया जाता है और उसके बाद बैठ के हमको सुनाया भी जाता है, पैर से लेके ससुराल से लेके सब ताना मिलेगा हमको। यही मामी थी? हाँ। क्या बोल रही थी? तुमको दादा दादी पसंद नहीं करते, जहाँ से आए वही जाके बैठो। हाँ तो क्या तुम आके माँ के कान में भर दी तुम, के लड़ा करवा दी तुम? नहीं करना चाहिए बच्चा को, पढ़ना चाहिए। माँ डांटी है समझे ना, पढ़ा वढ़ा करती नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा नहीं था, समझ गए ना? अभी आप मेरे सामने इतना बोल रहे थे, बच्चे को कितने नहीं बोले होंगे घरवा में। हाँ कुछ बोले हैं शगुन को हम? हाँ देखिए तो भीड़ लग गया यहाँ पे, हम भीड़ लगाने के लिए बैठे थे इधर, अभी और आदमी लोग था सब पार हो गया। देखिए चाची शगुन मेरा घर में आई, सामान इधर उधर छीट रही थी, इसीलिए थोड़ा सा बोले कि दादा दादी घर तुम नहीं जाती, नाना नानी घर बार बार आती है, इसी में शगुन आके इसको क्या क्या बोल दी। अरे हमको बोल रही है तो झूठ नहीं ना बोली। अच्छा पैर के बारे में बोलना चाहिए, मेरा पैर कैसा है, कुछ है तो अपना है ना, क्या आपका है? ऐसा नहीं बोला चाची, मुँह से निकाला, गलती से निकल गया, समझे? और शगुन भी थोड़ा सा बात कर लिया, यहाँ लहरा दिया, बोलना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए था, हमसे गलती हो गया, चलिए भगवान का देन था कि मेरा से मतलब कि मुँह से निकल गया। अब हम ऐसा नहीं गलती करेंगे और आप लोग से माफी मांगते हैं, और शगुन आएंगे तो उसको भगाएंगे भी नहीं। मतलब कि सोचिए कि हम यहाँ पे बैठे हैं अपने घर में, अपना दरवाजा पे, अपना माई का खाके, अपना बाप का खाके, और दूसरा कोई सुना के जाएगा तो अच्छा लगेगा आपको? हाँ मैं अभी हमको बहुत गुस्सा आ रहा है ना, ऐसे नहीं है, हम कुछ भी कोई बोल के चला जाता है, पैर के बारे में हो, ससुराल के बारे में हो। आप ही लोग कमेंट करके बोलिएगा कि जो हमको बोली के सही बात बोली, और गलत अगर बोले होंगे हम कुछ तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि तुम गलत हो। और उनको हम इतना इज्जत देते हैं ना भाभी भाभी करके, उनका बच्चा लोग आता है, हम जब से आए हैं तब से सब मेरा ही दुआरी पे है, लेकिन हम कभी नहीं बोलते कि जाओ तुम लोग जाओ, और ना भगाते हैं। फिर भी मेरा बच्चा सोचे कि इतना दिन पे आया और उसको भी सब बोल देता है।